पाकिस्तान के नए हेड कोच का इंडिया से क्या ताल्लुक है? क्यों विराट कोहली उनको अपने कंधे पर उठाकर ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं? नाजरीन, पाकिस्तान के नए हेड कोच आ गए हैं व्हाइट बॉल के, मतलब T20 के और ODIs के। इनका नाम है गैरी क्रिस्टन। नाजरीन, इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका के ये बड़े जबरदस्त प्लेयर हुआ करते थे। अब सवाल ये आता है कि इंडिया से इनका क्या ताल्लुक है? नाजरीन, ये इंडिया के भी हेड कोच रह चुके हैं। 2008 में इन्होंने इंडिया के साथ अपनी कोचिंग का आगाज किया था और 2011 में इंडिया को इन्होंने अलविदा कर दिया था। नाजरीन, 2011 में अगर आप लोगों को याद हो तो T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था। जो T20 वर्ल्ड कप 2011 में इंडिया जीता था, उसमें कोच थे इंडिया के गैरी क्रिस्टन। नाजरीन, जो इस वक्त पाकिस्तान के हेड कोच बन चुके हैं T20 और ODI के, वो 2011 में जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता तो इंडिया के कोच थे। नाजरीन, जब 2011 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता था तो विराट कोहली और दूसरे खिलाड़ी इनको अपने कंधे पर लेकर पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाते रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये एक बेहतरीन कोच है। नाजरीन, ना सिर्फ ये इंडिया की कोचिंग कर चुके हैं, बल्कि 2022 में जब गुजरात टाइटंस ने IPL का टाइटल अपने नाम किया था, IPL जीता था, तो तब ये गुजरात टाइटंस के भी हेड कोच थे। नाजरीन, इनको कामयाब कोच समझा जाता है क्योंकि इनकी कोचिंग में एक तो गुजरात टाइटंस ने IPL का टाइटल जीता, उसके अलावा 2011 में T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता इंडिया ने इनकी कोचिंग में। नाजरीन, अब इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया है। ये ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया गया है कि गैरी क्रिस्टन विल बी द न्यू हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल का ये मतलब होता है T20 और ODI। नाजरीन, आप लोगों का इसके ऊपर क्या ख्याल है? इन्होंने 2011 में इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जितवाया, क्या ये 2024 में पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं? क्या इनकी कोचिंग का फायदा उठाकर हमारे खिलाड़ी कोई करिश्मा दिखा सकते हैं और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान ला सकते हैं, जो कि आजकल वैसे ही पाकिस्तान आई हुई है? खैर नाजरीन, आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि क्या गैरी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाना सही फैसला है या गलत। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।